अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विपिन भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल कोकण प्रांत महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री दिनेश पाटिल जी का प्रांत में कई जगह पर प्रवास में बैठ के और सभाएं होती रहती हैं। दिनांक 22 नवंबर 2020 रविवार के दिन रात में 7 बजे वसई जिला का प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न हुआ। वर्ग में प्रमुख रूप से माननीय श्री दिनेश पाटिल जी उपस्थित थे। कार्यकर्ता को मार्गदर्शन करते हुए पाटिल जी ने हिंदुओं का गर्वशाली इतिहास बताया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, इन महापुरुषों के बारे में बताया और कहा कि हिंदू का इतिहास छुपाया गया है। अगर हिंदुओं का गर्वशाली इतिहास स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया तो देश में अधर्मी धर्म का विनाश हो जाएगा और हमारे धर्म का नामोनिशान मिट जाएगा। लेकिन मुगलों ने नालंदा विश्वविद्यालय जला के हिंदुओं के गुरुकुल नष्ट किए और दुनिया को शिकाने वाला हमारे देश के युवक अब बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हिंदू धर्म बचाना है तो फिर से गुरुकुल स्कूल खोलने पड़ेंगे। हर एक स्कूल में भगवत गीता को पढ़ाया जाए तभी हमारा देश बचेगा। लव जिहाद को रोकने के लिए पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल साहब ने कहा कि राष्ट्रीय बजरंग दल 10,000 युवकों की टीम जो धर्म योद्धा के रूप में हिंदुस्तान में काम करेगी। अंत में पाटिल जी के शुभ हाथों से वसई जिला और विरार नाला सोपारा जिला नियुक्ति की गयी, जिसमे पूजा नागेंद्र मिश्रा ओजस्विनी विरार अध्यक्ष, सिद्धार्थ राकेश मिश्रा RCP विरार शहर उपाध्यक्ष, राहुल विलास आवड़े RCP विरार शहर उपाध्यक्ष, वरुण विनोद लाखन RCP विरार शहर उपाध्यक्ष, संजय गुप्ता RBD वसई जिला संपर्क प्रमुख सभी कार्यकर्ता को शुभकामना दे। दिनेश जी जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पालघर जिला विभाग प्रखंड बैठक में वसई में आपका स्वागत है। आप कुछ लव जिहाद के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पहले तो मैं आपको मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम दिनेश पाटिल, राष्ट्रीय बजरंग दल कोकण प्रांत का अध्यक्ष करके मेरे को दायित्व है। हिंदू विद्या समूह डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने गठन किया संगठन का काम पूरे हिंदुस्तान में कैसे बढ़े और जहाँ जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार होगा वहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल की युवा जो हमें टीम है वो खड़ी रहेगी, क्योंकि हमारे देश में लव जिहाद के विषय बढ़ने लगे ही है। 12 लाख के ऊपर हिंदू बहन बेटियों को और धर्मी लोगों ने उठा के उनको मुसलमान बना दिया है, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल और कोई भी राजनीति पक्ष इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई लव जिहाद हमारे देश में है। लेकिन केरल के हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि लव जिहाद की वजह से 12 लाख के ऊपर हिंदू महिलाओं का धर्मांतर हुआ है। इस बात का राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से हम विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। वैसे ही इस पालघर में हम बैठे हैं, पालघर में सातों का हत्याकांड हो गया लेकिन सरकार की चुप्पी अभी तक खुली नहीं है। लेकिन कोई हमारे देश में कोई मौलवी के ऊपर या पादरी के ऊपर आक्रमण हुआ होता तो अभी तक हमारे देश में दंगे चालू हो जाते। 80 कोटि हिंदू का देश है और महाराष्ट्र है संतों की भूमि है और यहाँ पर संत ही सुरक्षित नहीं है तो हिंदू का कहाँ का सुरक्षित रहेगा। बोईसर की घटना आपको बता रहा हूँ, शिवरतन राय जो हिंदू लड़का था, दो मुसलमान लड़कों ने उसकी जंगल में जाकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन किसी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको दिखाया नहीं है। कोई अकलात उत्तर प्रदेश में मरता है जैसे उनका बाप मर गया है ऐसे चिल्लाने लगते है, लेकिन हिंदू मरे तो इनकी चुप्पी होती है और मुसलमान मरे तो जैसे मीडिया में चिल्लाते ही रहते हैं। मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि हिंदुओं की अभी परीक्षा लेना बंद कर दो, कि हिंदुओं पे अत्याचार इस देश में अभी राष्ट्रीय बजरंग दल सहन नहीं करेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल के युवाओं ने अभी कमर कस ली है कि इस देश की महिलाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। इस देश में अगर पुलिस के ऊपर कोई लाठीचार्ज या पथराव करता है तो उस पुलिस की रक्षा भी राष्ट्रीय बजरंग दल के युवक करेंगे। जम्मू कश्मीर में हमारे जो नौजवान जो फौजी है उनके ऊपर जो पथराव कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं हमको परमिशन दे देना कि 50,000 हिंदू युवाओं की फौज हम जम्मू कश्मीर भेजने के लिए तैयार है। अभी कोई भी फौजी हमारा मरेगा नहीं, हम एक का ईट का जवाब हम पुलिस से देंगे। इसलिए हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने साथी ठोक के कहा था कि 2 को गोली मारो 1,000 भाग जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने ये जो फैसला था उन्होंने उनके बातों पे इतना सीरियसली नहीं लिया।
इसलिए रोज हमारे देश में हमारे जवानों का बलिदान हो रहा है, ये बलिदान हम अभी सहन नहीं करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय भजन दल कोकरम प्रांत की ओर से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो हमारे फौजी है उनका सम्मान होना ही चाहिए, जो हमारे पुलिस कर्मचारी है उनका सम्मान भी होना चाहिए। जैसे आजाद मैदान में हमारे महिला पुलिसों के दामन पे हाथ डाले गए, जैसे भेवंडी में दो पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, इस घटना का हम विरोध करते हैं। सर, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद में ओजस्विनी का क्या रोल है? ओजस्विनी का रोल तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूंगा कि मोदी जी के काल में 50% आरक्षण हमारे बहनों को दिया है, और जहां जो नारी शक्ति में ताकत है देश बदलने की, वो ताकत और किसी में नहीं है। और महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमने ओजस्विनी आयाम का गठन किया है। ये लव जिहाद जो विषय हमारे देश में चल रहा है कि अधर्मी लड़कियां हमारे हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करके और उनकी दोस्ती अधर्मी लोगों से करा के देते हैं, वो धर्म छुपा के उनसे उनको प्रेम जाल में फंसा के उनसे शादी करा के उनका धर्म परिवर्तन करके, इस बात का हम विरोध करते हैं। ओजस्विनी में अपनी पूजा जी को किस पोस्ट पे दिया है सर? हमारी ये पूजा जी जो मिश्रा जो हमारी बहन के विराट की है, इनको विराट शहर की ओजस्विनी के अध्यक्ष कहके के रूप में हमने उनको आज नियुक्ति दी है। उनका हम स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे कि क्योंकि ऐसी हजारों महीने इस ओजस्वी में जुड़ जाएंगी तो हमारे देश में लव जिहाद आपको कहीं दिखेगा भी नहीं। मतलब लव जिहाद के लिए उनको क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से वो कार्य करें, क्या करना चाहिए? विशेष करके लव जिहाद जो है, जो मोबाइल रिचार्ज की दुकान है वहाँ पर जो हमारी बहनें रिचार्ज करने जाती है, वहाँ पर अधर्मी लोग जो है वो अपने हिंदू बहनों का मोबाइल नंबर 10 लोगों को देते हैं और उससे लव जिहाद चालू हो जाता है। जैसे फेसबुक, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। और मैं बहन जी को विशेष करके कहूंगा कि कॉलेज, महाविद्यालय, कॉफी शॉप, चाय की टपरी, यहाँ पर ये जो अधर्मी लोग है ये अभी इन्होंने हिंदू नाम लगाना चालू कर दिया भाई साहब, ये लव जिहाद जो है ना, इसलिए हमको इन्होंने इसको हमें लव जिहाद नाम। अगर प्यार करना है तो धर्म छुपा के मत प्यार करना, अगर प्यार करना है तो ओपनली प्यार करना कि आपका नाम कुछ अलग है। आपका नाम राम बता रहे हो, लक्ष्मण बता रहे हो, राकेश बता रहे हो, ये गलत है। कि धर्म छुपा के अगर आप लव जिहाद करेंगे तो उसको हम लव जिहाद ही करेंगे, और किसी भी अभी हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतर नहीं होने देंगे। अब हिंदुत्व को बचाने के लिए क्या करना चाहते हैं? कहीं कहीं जैसे आपने बोला कि हमारे में ही जयचंद है, इसको आप कैसे पहचानोगे? इसीलिए प्रवीण भाई ने राष्ट्रीय बजरंग दल अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का गठन किया है। आप हमारे देश में जयचंद और जरासन हम पैदा नहीं होने देंगे, इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल की युवाओं की टीम का गठन हमें इसीलिए किया है कि जयचंद और जरासन जो है उनको वही हम दबोच लेंगे। इनकी पहचान कैसे किया जाए जयचंद? सभी बातें जो है आप मीडिया वाले हैं, सभी बातें हम वैसे बता नहीं सकते, लेकिन संगठन का हमारा एक आयाम है, हमको पहचान जाएगी। विराट शहर में आपको अध्यक्ष पद का दिया गया, पाटिल जी की बातों से कितनी सहमत हैं और लव जिहाद के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इनको तो पहले धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। और लव जिहाद के बारे में बात करनी है मुझे कि जैसे कि जैसे सर ने बोला है कि अधर्म लोगों ने जो धर्म चेंज करके लव जिहाद मतलब प्यार कर रहे हैं वो गलत है। वो हम सबको हमारे मतलब कि हमारी बहन बेटियों सबको एक से जागरूक कर देगी। जैसे निकिता को लेकर कुछ हत्याकांड हुई, उनको मार दिया गया, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि निकिता का जैसा आत्महत्या हुआ है मतलब किया गया है, मर्डर किया गया है लव जिहाद के ही लिए किया गया है, वो धर्म चेंज ना करने के लिए उसको मर्डर किया गया है उसका। और जैसे कि उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, हमारी बहन बेटियों बहनों को सबको जागरूक होना चाहिए। आप सबके घर में बहन बेटियां भी होंगी, उनको जागरूक करने के लिए ये है कि जो हिंदुओं के लिए जो आवाज़ नहीं उठाई जाती है उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसे कि सबके अधर्मों के लिए, जैसे मुसलमान एक साथ हो जाते हैं, हिंदू कहीं नहीं आते सामने, उन हिंदुओं का भी नहीं आते, उनके लिए हमें एक लाना चाहिए, सामने लाना चाहिए कि हम भी एकता हैं, हमारे भी एकता हैं, हमारे भी बहन बेटियों के लिए एकता होनी चाहिए। क्योंकि वो जब भी उनके लिए होना चाहिए लव जिहाद के बारे में या कोई भी, फिर भी औरत पहले ही आनी चाहिए।
चाहिए, बहन बेटियां पहले ही आनी चाहिए। जैसे कि समय रात को 9-10 के आसपास बज रहे हैं, आपकी माँ वगैरह कहीं खबर नहीं लेती कि आप कहाँ गई हो, क्या है, कैसा किसी जगह पे गई हो, इनसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग जैसे रात को 10-11 बजे बहन मतलब सबको घूम लेडीज को घूमना थे, वो घूम रहे हैं तो वो नहीं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, उसके लिए हमें उनकी संदेश देनी चाहिए क्योंकि ये गलत है। 10-11 बजे लड़कियों को अगर घूमना है तो अपने माँ बाप को ये दे संदेश दे, वहाँ पे मैसेज करे कि हाँ मुझे काम से जाना है या बगैर झूठ के जाना है, तो हम वो नहीं कह पाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम उनके लिए ओजस्विनी को बच्चों को जो सही रास्ते पे दिखाने के लिए आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमें ओजस्विनी में जो मिला है पद, हम उसके लिए जो बच्चे हैं उनको हम पहले तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बारे में बताएंगे कि उनके लिए ये क्या है क्या नहीं है, हमें उनको सिखाना है, स्टेप बाय स्टेप सिखाना है कि ओजस्विनी का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मतलब क्या होता है, बजरंग दल का मतलब क्या होता है, ये हमें उनको सिखाना है छोटे छोटे बच्चों को कि जो आगे चल के वो खुद अपना स्टैंड ले सके। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग जो कि फ्रांस से मुझे लाइट मिला है, जिले के जिला का सहयोग दायित्व मिला है मुझे प्रमुख संपर्क, हम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबसे हम बराबर संपर्क में रहेंगे और उनको ये समझाएंगे कि जो भी हमारे हिंदू हैं उनको आप जागरूक कीजिए और उनको गलत रास्ते में जाने दीजिए। और जैसा कि देख रहे हैं कि अपने मुस्लिम भाई लोग उन लोग का संगठन कैसा है, वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वैसा हम लोग को भी इकट्ठा होना चाहिए, हम लोग को अपने धर्म विषय में सोचना चाहिए कि हमारा धर्म हिंदू है, ना कि कोई जात संतरण नहीं है, अपना धर्म केवल हिंदू है, हमें अपने हिंदुओं को एकत्रित करना है। और मैं यही बोलूँगा कि मैं संगठन को टाइप की गरिमा को देखते हुए मैं इस संगठन को मजबूती से आगे जाने का प्रयास करूँगा। जिला का सहमंत्री ऐसा मुझे दायित्व मिला है और मेरा यहाँ पर पहला काम यही होगा कि अपने संगठन को वसई जिला पहले मजबूत करना, क्योंकि जब तक हम अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो हमारा पहला दायित्व यही है कि मसई जिला में अपनी हर जितना हमारा क्षेत्र है हर प्रखंड हमारा तैयार होना चाहिए और हमारे पास सुदृढ़ कार्यकर्ता होना चाहिए। अभी कुछ कार्यकर्ता है जैसे कि हीरे को जो है तरासे के पत्ते को तरासे के तभी हीरा बनेगा, तो कुछ कार्यकर्ता अपने हैं या नादान है या उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा अभी यही है कि उनको सही रास्ते पर लाना, जिस तरह से पत्थर को तराशेंगे हीरा बनेगा वैसे कार्यकर्ता को तराशना है, जब तक तराश के उनको हम हीरा नहीं बनाएंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। मेरा